पिछले करीब 6 महीने से जिस वायरल ने दुनिया पर कब्जा सा कर लिया है, दुनिया की गति को रोक दिया है, अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया है, अब उस वायरस का आर्थिक तौर पर भारत पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। शुरुआत हुई है नामी गिरामी साइकिल कंपनी एटलस से। साइकिल की जानी मानी ब्रांड एटलस साइकिल ने अपनी कंपनी चला पाने में खुद को असमर्थ बता दिया है और अपने कर्मचारियों को ले ऑफ नोटिस जारी कर दिया है। कंपनी के मुताबिक अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा है, इसलिए उसे अपनी कंपनी को बंद करने का फैसला लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में चल रहे कारखाने पर ताला लटकना लगभग तय हो गया है। कर्मचारियों को जारी नोटिस में लिखा है कि कंपनी पिछले कई साल से भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है। कंपनी ने सभी उपलब्ध फंड खर्च कर दिए हैं। अब स्थिति यह है कि कंपनी के पास कोई आय का स्रोत नहीं बचा है, दैनिक खर्चों के लिए भी धन उपलब्ध नहीं है। हालांकि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने ऐसे मुश्किल समय में एटलस की तरफ से लिए गए इस फैसले का विरोध किया है। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट 4 की एटलस कंपनी ने जब कर्मचारियों को नोटिस थमाया तो नाराज कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर ही खड़े होकर विरोध जताया। सूचना पर पहुंची पुलिस को वहां की स्थिति संभालने के लिए हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। आपको बता दें कि कंपनी के बंद होने से कुछ नहीं तो करीब 450 कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। अस्थायी तौर पर काम करने वाले लोगों को मिला लें तो फैक्ट्री बंद होने से करीब 700 कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 700 कर्मचारियों के साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी होंगी जो कंपनी के साथ साथ अब सड़क पर आ गई।